राधे राधे गुरुजी। जी बेटा राधे राधे। क्या मैं आपको मामा जी बुला सकती हूँ? हाँ। तो प्रिय मेरे मामा जी, आपको चरण स्पर्श। खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये था कि हमारे यहाँ ये जो लड्डू गोपाल हैं, तो वो चाय के लिए बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। चाय। और आप चाय के लिए मना करते हो, और अगर इनको चाय ना मिले ना, तो पूरे घर में मतलब झगड़ा है। और यहाँ तक कि दूसरे लोग बोलते हैं कि भगवान को लहसुन का प्याज नहीं देना चाहिए, तो ये तो फीका फीका खाते ही नहीं हैं। देखो, भगवान के साथ ना भगवान की तरह व्यवहार करना चाहिए। नहीं नहीं, हम लोग इनको बोलते हैं कि आप भगवान हैं। तो मेरा एक 17 साल का भाई था, वो चले गया, तो उसके जाने के बाद ये बहुत सपना आया इसका, तो इसको हम लोग अपने पास रखे हैं, और कहीं भी जाते भी हैं तो ये साथ साथ में जाऊंगा बोलते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो हमारा काम भी नहीं बनता है। हाँ, तो साथ में रखो, अच्छी बात है, पर भगवान को जो भी आप अच्छी चीज़ें खाएं, खाने योग्य पदार्थ वो तो भोग लगाएं, हर चीज़ का भोग नहीं लगाते भगवान जी को, जो लगता है वही ना लगेगा। जी आप बोल तो सही रहे महाराज जी, लेकिन ये घर में मतलब रोते हैं, कभी कभी आंसू भी आ जाता है, तो समझ नहीं आता क्या करें। जो हम बता रहे हैं बस उसका ध्यान रखो, भगवान भी अशास्त्रीय बात बोलें तो भगवान की बात भी नहीं मानी जाएगी। छोटा बच्चा जिद करे कि माँ हमें गरम गरम दूध पिला दो, तो क्या माँ उबलता हुआ दूध पिला देगी? बच्चे को वही पिलाएगी जो उसको पीने योग्य है। वही प्रकार भगवान, कई बार भगवान भी भक्तों के भाव में डूब जाते हैं, ये सही है, लेकिन फिर भी भगवान भी शास्त्रों के अनुकूल रहते हैं, तो भगवान को भगवान की तरह रखा जाता है, वरना भक्त भगवान को डांट लगा देते हैं, क्या आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं प्रभु जी? धन्यवाद। हाँ, बार बार आपकी चरण, राधे राधे गुरु जी, बार बार आपकी चरण में प्रणाम करती हूं। हाँ मैया, राधे राधे। लोगों की सहारा करते हो, तो मैं भी एक बेसहारा माँ हूँ। खुश रहिए। बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, रहने का घर नहीं, तो मुझे भी तो राधे राधे की चरण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन जी को गीता ज्ञान दिया, तो अर्जुन जी का सदगति की नहीं हुआ? अर्जुन की सदगति हुई है, आपको किसने बताया कि नहीं हुई? मैं तो YouTube से ही देखा कि। अरे YouTube पे सब चीज़ें पूरी पूरी नहीं होती। हाँ। अर्जुन की परम गति हुई है, सदगति तो ठीक है, परम गति भगवान का निज धाम प्राप्त है उन्हें। तो दूसरा प्रश्न ये, अगर आपसे कोई गुरु मंत्र लेता है तो उसके पाप और पुण्य नष्ट क्यों हो जाते? भाई भगवान का मंत्र, भगवान नाम जो जपेगा उसके पाप नष्ट होंगे ही होंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मैं नाम राकेश अग्रवाल, आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगता सुनने में, मेरा पेट में दर्द होता है गुरु जी, हम बहुत तकलीफ में हैं। मैं आँख से आंसू भी नहीं आता, हम झारखंड में रहते थे हजारीबाग में, हम सब डॉक्टर को दिखा लिए, हजारीबाग में जितने भी डॉक्टर हैं सब डॉक्टर को दिखा लिए, नाभि के अंदर मैं पेट में दर्द होता है, और रांची भी दिखा लिए और हैदराबाद भी दिखा लिए, जब से रायपुर आए ना सब डॉक्टर को दिखा लिए, ताकि मैं आँख से बिल्कुल भी पानी नहीं गिरता है गुरु जी। मम्मी तो आती है प्रवचन सुनने के लिए, हम लोग श्रीनगर रोड में रहते हैं, आदर विहार कॉलोनी में, आपका प्रवचन टीवी में सुनते हैं, मम्मी सुनती है हमेशा। बताओ प्रश्न क्या है? प्रश्न है, मेरा पेट में दर्द होता है गुरु जी। हो जाएगा बिहार जी, ठीक करेंगे, योग किया करो योग। ठीक है बेटा, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, खुश रहिए, और कुछ नहीं, सुखी रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी मैं एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, और मुझे सुबह 7:30 बजे स्कूल जानी रहती है, और जब मैं स्कूल में नहीं थी ना, तो मैं पूजा पाठ कर लेती थी, भगवान को अपनी थोड़ी बहुत भाव भी हो जाती थी, लेकिन इतनी व्यस्तता है, हमारी छोटी सी दो गुड़िया है, हस्बैंड है, तो सब कुछ मैनेज करने में मुझे टाइम लग जाता है, तो मैं जो भी पूजा करती थी वो सब ख़त्म हो गया, और भाव नहीं दे पाती, लेकिन मन में आस्था विश्वास और भाव है,
और जब जाती हूँ स्कूल भी तो लगता है आज मैं भगवान को याद नहीं की। तो आप स्कूल में जाते जाते भगवान को याद कर लिया करो। पूजा नहीं कर पाते कोई बात नहीं, आप स्कूल जाते समय जो भी आपका टाइम लगता हो 5 मिनट 10 मिनट वो स्मरण ईश्वर का बनाए रखो, वो पूजा है। नहीं हो पाती कुछ भी। धन्यवाद गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। खुश रहिए।